तो ये पहनने वाले को लहसुन प्याज नहीं खाना होता है क्या? नहीं, खा सकता है। तो मैं थोड़ा सा पापड़ खा लेता हूँ। शिवांश खाओगे बेटा? देखो शिवांश लीजिए। वाओ तो खाना, ये को मंगाइएगा, प्लेट तीन को देगा आपको। आप फंसिया रहे हैं, अब तीन आदमी खाइएगा इसलिए कि वो प्लेट दिया है। ये 12 दही 120 बोली। ठीक तो हमें कुर्सी बैठी ना, नाम से इधर बैठ जाइए। हमारा निकल चुका है गाइस। तो मंदिर से निकलने के बाद हम लोग आ गए अभी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे तमाम चीजें देखी जा रही है। पता नहीं क्या क्या इन लोगों को लेना है। अभी क्या लेना है मम्मी? लेना है क्या? अब पान का नहीं खा सकता है ना? क्या ले लीजिए ना, तुलसी का माला है। ये 70। तो ये पहनने वाले को लहसुन प्याज नहीं खाना होता है क्या? नहीं, खा सकता है। काची का माला है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ असली में होगा ना, डुप्लीकेट थोड़ी बेच रहा होगा इधर। हे भगवान, अब लग रहा है सब शॉपिंग करने के लिए घुस गया। हो गया कांड। मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि हमें लेना क्या है, और मम्मी भी ले रही है तुलसी का माला। जोरदार बारिश हो रही है और हम लोग एकदम सूटों में कैद होके जा रहे हैं। बाबा कपड़ा हटा देते हैं, साथ में खाने वाले हैं का सास बहू। नहीं मम्मी, मम्मी ना थोड़ा खा ना, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। अरे मम्मी खाना है, उसका नाम है जगन्नाथ भोग। आराम से यहाँ लगाइए कुर्सी। तो मैं थोड़ा सा पापड़ खा लेता हूँ। शिवान खाओगे बेटा? देखो शिवान लीजिए। वाओ तो खाना, ये को मंगाइएगा, प्लेट तीन को देगा आपको। आप होशियार रहे हैं, अब तीन आदमी खाइएगा इसलिए कि वो प्लेट दिया है। खीर? हाँ, इसमें खीर। ये क्या है? दही दिया है रायता बनाने के। नहीं रायता नहीं है वो, पुलाव है। कितना पैसा लिया? कितना पैसा? ठीक तो है, 140 रुपया में तो क्या एक इतना आइटम दे रहा है। देखो आइटम काउंट करोगे तो कितना हो जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आइटम मम्मी हो रहा है 140 रुपया। 120 हमको लगा 12 दहाई 140 तुम बोलोगी, लेकिन 12 दहाई 120 बोली। ठीक हमें कुर्सी बैठी ना, नाम से इधर बैठ जाइए। वो खाएगा कि पापा खाएंगे कि दादी को दे दे? नहीं दादी को नहीं, नहीं गर्दन ऐसे कर रहा मम्मी ना। खाएंगे पापा खाएंगे पापा पापा आ नहीं 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 बाद में खाओगे, बाद में खाओगे तो अभी छोड़ देंगे हम, खा जाते हैं। खा जाएंगे बाद में, खिलाएंगे बाद में। गीजा का मत खाएगा नहीं ना, तुम आगे हो आप घूमने खा लो। अब खाइए ना, गीजा मत खा जाएगा क्या हो जाएगा? छोड़ दीजिएगा प्लेट, हम खा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है वो सब रबड़ खोल के क्या खाना है? नमक नहीं है? नमक दिया कि नहीं दिया? अरे नमक लाए हो ना। खाना हमारा निकल चुका है और आइटम तो काफी ज्यादा है, बट नमक का दिक्कत है। बोतल वाला ठीक है, सब सब्जी खा लेंगे। दाल में नमक होता है या कम डालता हूँ? कम होगा, वो हम भी खाए वो वाला तो फीका फीका लग रहा है। दाल गाढ़ा हुआ था, नमक का पता चल गया। पानी जैसे दे देता हूँ, दाल से नमक डालता होगा, उसमें पानी पटा देता है।
मम्मी की शिकायत देखो भाई, पता है कैसे बनाता है भाई, इतना दिल से मम्मी खाने बना रही है तो पता नहीं होगा कि कहां क्या दिक्कत है। पंखा बंद क्यों हो गया? नहीं तो नहीं ना, वही तो बंद है। गुलाब जामुन 1 पीस 10 रुपया का है। एक्स्ट्रा मंगा सकते थे, बोलती कि 10 पीस तो 10 भेज देता। ठीक है मम्मी खाना सही है ना? ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन, ठीक नहीं है मम्मी कह रही है, दो रंग का बात नहीं बोल रही है, ठीक है लेकिन ठीक नहीं है। उसी को सोया चाप, सोया चाप 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 के सोया, कुछ मैदा को चाप के सोया चाप बना दिया था। खाना अच्छा है, खाना एक प्लेट ही दे गया, डिलीवरी चार्ज नहीं लिया है, 5 किलोमीटर से आया, 5 किलोमीटर से देने आया है। खाना कितना सस्ता है पता है? रात में खाना इतना लोग खाया, कितना लोग हैं रूरल? हम लोग रूरल कितना, हम लोग हो गए 3 और पंकज और निशा 5 6 7 9 9 बच्चा उसे लेके 10 11 मानिए 10 आदमी खाया, 700 रुपए का बिल बना, 2 आदमी खाने में 700,000 रुपए चाहिए, 2 आदमी मतलब खाना अच्छा है यहाँ पे, सस्ता है काफी ज्यादा और अच्छा है। मम्मी ने खा लिया, अब बारी है हमारी खाने की, और मम्मी बिलीव नहीं करोगे मम्मी ने क्या किया, अभी एक प्लेट था हमारे पास, मैंने बोला मम्मी छोड़ दो उसी पे खा लेंगे, मम्मी गई प्लेट धो के लेके आई है। अब ये वन टाइम यूज प्लेट को हम लोग धो के यूज कर रहे हैं भाई, देखो ऐसा समय आ गया। हाँ बट कोई बात नहीं, चलो अभी खाना खाते हैं, धोना जरूरी नहीं था बट मम्मी ने धो दिया फालतू का, तो टाइम ज्यादा मिल जाता है, सारा काम चौपट होता है, तब तक सभी लेट से उठो ना। सवेरे उठने से फायदा क्या है कि दिन अपने पास टेंशन में रहता है, तो ऐसे सवेरे उठेगा ना सारा काम सही से होगा, तब नहा के जाएगा तो पूजा पाठ सब कर लेगा, उठना भी अच्छा है। फैमिली तो अभी हम लोग रूम से निकलने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे शाम की आरती, सुबह की आरती हमने देख ली है और शाम की आरती देखेंगे, शिवान सोया हुआ है उसको। हाँ वो वाला फोन दे दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, शिवान सोया हुआ है ना तो उसको लेके जाना, उठ ही जाएगा। तो अभी सारे लोग जा चुके हैं दर्शन करने के लिए और शिवांश की वजह से हम लोग रुके थे क्योंकि ये सोया हुआ था, सोचे थे कि थोड़ा सा सो ले उसके बाद निकलेंगे, आधा घंटा से इसका वेट कर रहे हैं कब उठेगा, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी जाके हार डाल के उसको गोदी उठा लिए हैं सोए हुए में, छो जाओ, हाँ पापा के कंधे पे छो जाओ मेरा बच्चा, हाँ नहीं दिखेगा। Hey guys, तो खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने, यहाँ पे बहुत पुराना वृक्ष है वो देखने जा रहे हैं और सारी लेडीज इस वाले ऑटो में और पीछे वाले ऑटो में। क्या हो रहा है, क्या चाहिए? अंकल है गाइस, तो ये 524 साल पुराना वृक्ष है, कितना पुराना वृक्ष है, इतना बड़ा, और मम्मी कह रही है कि ये केतकी के फूल का पेड़ है, वहाँ पे येलो येलो फूल भी दिख रहा है, सभी लोग हाँ फूल के पेड़ है, हाँ उनका फूल गिर रहा है, देख ये वाला फूल का पेड़ जी बुला रहे हैं, तो शिवांश कह रहा है आ ले हैं और यहाँ पे बहुत लोगों ने मन्नत बांधा हुआ ना, सब ने ये गिरगिट्टी है शेर काजी बापुर भक्त ने मेरे छिले मेरे ना खोल भेंगे दी छिले
हम कितना जोर से डर गए। मुझे लगा कि सांप हमार भक्तोदर मृदंग भंगला हमार मृदंग और बदले छिन्न तोर गुप्त भंग करबो देखो एई भाबे काजी के जगाले एई काजी आगे दिन मापुर भक्तोदर मेरी चीज फैल करे सुनो पता गुलो तो यहाँ पे कृष्ण जी की स्टोरी ये बता रहे हैं लेकिन बंगाली में बोल रहा है ना तो पूरा समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। चलिए परिक्रमा कर लीजिए माथा के। चलो बेटा परिक्रमा करने आ जाओ, आ जाओ शिवो। चलिए परिक्रमा कर लीजिए, ठीक से नीचे देख के करिएगा, चींटी भी है। हाँ जय करिए, जय भगवान जी की जय, भगवान जी की जय, कृष्ण जी की जय। चलिए चलो चलो। तो अभी हम लोग लीची खाने वाले, सीजन का फर्स्ट लीची हो गए।